हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल में अहल्या। मैं आज आप लोगों के लिए चिकन दम बिरयानी की रेसिपी लेके आई हूँ। यहाँ मैंने ट्रेडिशनल पॉट में चिकन दम बिरयानी बनाया है, तो चलिए इसका प्रोसेस जो है वो देख लेते हैं। मैंने 600 ग्राम चिकन लिया है, इसमें 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, 400 ग्राम दही डालेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे चिकन मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून। यहाँ हमने रेड चिल्ली पाउडर 1 टेबल स्पून डाला है। अब हम इसमें जीरा पाउडर 1 टेबल स्पून डालेंगे। इसके बाद हम इसमें शाही बिरयानी मसाला 2 टेबल स्पून डालेंगे और इसमें नमक स्वादानुसार डाल देंगे। यहाँ हमने हरी मिर्च डाल दिया 4। इसके बाद कटा हुआ धनिया पत्ता, कटा हुआ पुदीने का पत्ता डालेंगे और इसके बाद हम जो स्पाइसेस है इसको थोड़ा सा कूट लेंगे। उसके बाद ये मसाले को भी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसको कवर करके हम 1 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे, तो कवर करके हम इसको एक साइड में रख लेंगे। अब हम फ्राइड अनियन बनाएंगे, तो इसके लिए हम एक कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है और प्याज को काट के रखा था उसको तेल में डाल देंगे और इसको मीडियम फ्लेम में हम पकाएंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। यहाँ हम 3 मीडियम साइज के ऑनियन को काट के रखा था। फ्राइड अनियन अभी हमारा हो चुका है, हम बाकी प्याज को भी डाल देंगे तेल में और इसको भी फ्राई कर देंगे। ये भी हमारा हो गया। अब इसको हम निकाल देंगे एक प्लेट में, तो हमारा फ्राइड अनियन जो है वो तैयार हो चुका है। अब हम राइस की तैयारी करेंगे, इसलिए हमने एक बर्तन में पानी को उबाल दिया है। अब इसमें हम राइस डाल देंगे। राइस को मैंने 1/2 घंटे के लिए भिगो के रखा था, अब इस राइस को हम डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें होल स्पाइसेस डालेंगे, इसके बाद स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून घी डाल देंगे। इसे थोड़ा सा मिक्स कर दे। हमें राइस को सिर्फ 60% तक पकाना है, तो उससे ज़्यादा आप मत पकाइए। तो राइस जब 60% कुक हो जाएगा तब इसको हम निकाल देंगे। यहाँ मैंने बासमती राइस लिया है, आप चाहे तो नॉर्मल राइस का यूज़ भी कर सकते हैं। तो हमारा जो राइस है ये हो चुका है, अब इसको हम छान लेंगे। तो राइस हमारा तैयार हो चुका है। कढ़ाई में हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, यहाँ मैंने 4 टेबल स्पून तेल लिया है। अब इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे, हम यहाँ 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर डाला है, 1/2 टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर डाल दिया। अब इसमें हम जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है उसको डाल देंगे। तो यहाँ मैंने चिकन को डाल दिया, अब इसको मिक्स कर दे। कवर करके हम 5 मिनट के लिए पकाएंगे। 5 मिनट के बाद हम ढक्कन निकालेंगे और थोड़ा सा इसको मिक्स कर देंगे। मिनट के लिए हमें कुक करना है। 10 मिनट के बाद हम फिर से इसको थोड़ा सा चेक करेंगे और इसको थोड़ा सा मिला ले। इसको हम मीडियम फ्लेम में ही पकाएंगे। हम यहाँ चिकन को 80% ही कुक करेंगे।
तो हमारा चिकन का जो ग्रेवी है वो तैयार हो चुका है। अब यहाँ हम लेयर की तैयारी करेंगे। तो मैंने एक ट्रेडिशनल पॉट लिया है, इसमें पहले हम चिकन का लेयर बनाएंगे। तो यहाँ मैंने चिकन डाल दिया पहले। अब इसमें हम राइस डालेंगे। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा राइस डाल रही हूँ और राइस का एक लेयर बनाएंगे। इसके बाद हम फ्राइड ऑनियन डालेंगे इसमें और धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता थोड़ा सा डाल देंगे इसके ऊपर। इसके बाद फिर से बाकी का जो चिकन है वो डाल देंगे। इसके बाद बाकी का जो राइस है उसको भी लेयर बना देंगे। अब इसके बाद हम इसमें फ्राइड ऑनियन डाल देंगे। अब इसमें धनिया पत्ता और पुदीना पत्ता थोड़ा डाल देंगे और अब हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल देंगे। अगर आपके पास केसर है तो केसर का भी आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। यहाँ हमने आटा का डो बना के रखा था तो इसको अच्छे से हम बर्तन में कवर कर देंगे। आप ऐसे कवर कीजिए जैसे इसका गैस बाहर ना निकले। तो इसको अच्छे से सील कर दीजिए और इसको लो फ्लेम में 15 मिनट के लिए पकाने के लिए छोड़ दीजिए। पंद्रह मिनट हो चुका है, हमारा बिरयानी जो है वो भी तैयार हो चुका है। अब हम इसको निकाल देंगे। तो देखिए हमारा बिरयानी कितना सुंदर दिख रहा है। अब हम इसको प्लेट में निकाल के सर्व करेंगे। तो आप इसको रायते के साथ खाइए और ये रेसिपी आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए मेरी रेसिपी आपको कैसा लगा। अगर मेरा रेसिपी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।